100% कॉपर है, ठीक है। दाची का स्टेबलाइजर जब भी आप ऑन करने से पहले ये रोटर को, ये रोटर को हमेशा एक नंबर में रखना चाहिए, ठीक है। हेलो, मैं किशोर गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर साउंड और कैबिनेट। आज मैं आप सबके सामने में लेके आया हूँ 10 KVA का स्टेबलाइजर। वो भी किस कंपनी का होने वाला है, यहाँ पर देखो दाची, देखो ये देखो दाची 10 KVA स्टेबलाइजर, ठीक है। अभी हम लोग देरी ना करते हुए सीधा इसको खोल के देखते हैं, इसका अंदर का दिखावट बनावट किस तरह का लगेगा। मैं आज फर्स्ट टाइम इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसके आगे कभी भी 10 KVA का किया नहीं था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्टून खुलने के बाद में अंदर में एक दाची का अपना कार्टून निकल जाता, ठीक है। ये भी खुल जाने के बाद में सीधा दाची का स्टेबलाइजर निकल जाता है। देखो इसमें डबल व्हील करके व्हील दिया गया, ठीक है। देखो क्योंकि स्टेबलाइजर काफी ज्यादा भारी है इसीलिए इसमें चक्का दिया गया। सिंपल अगर सरल भाषा में हिंदी में बोले तो चक्का दिया गया भाई। और एक बात है, मेरे पहनावे पर मत जाओ भाई, क्योंकि गरीब आदमी हमेशा लोकल फॉर्मल कपड़े पहनता है। एक वारंटी कार्ड मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल दाची में वारंटी कार्ड मिलता है। देखो दाची का एक बढ़िया सा होलोग्राम है 9001-2050 को इनपुट मेन आउटपुट लिखा हुआ है, जेनरेटर ग्रेड लो हाई और एसी कर। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो एक MCB दिया गया है। कृपया स्टेबलाइजर ऑन करने से पहले रोटर की नोब को एक नंबर पर रख ले, यहाँ पर नोटिस किया गया है। जब भी आप ऑन करने से पहले ये रोटर को हमेशा एक नंबर में रखना चाहिए, ठीक है। ये MCB है, ये इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटपुट दिया गया है। हम लोग अभी इसमें देरी ना करते हुए सीधा इसको अभी हम ऑन करके देखते हैं। ये देखो अभी हम लोग इसमें रेडी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो 100% कॉपर है, ठीक है। दाची का स्टेबलाइजर 130 वोल्ट, 280 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है, ठीक है, विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। 10 KVA का स्टेबलाइजर है, 100% कॉपर है, माने इसका ट्रांसफार्मर 100% कॉपर है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये देखो, ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है, ये लाइन है, माने ये फेस है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। इसीलिए हम लोग ने अभी न्यूट्रल फेस को नहीं देखा है, लाइन और न्यूट्रल में दो लाइन दिया है, ठीक है। अभी दो लाइन देने के बाद में सीधा अभी हम लोग इसको MCB ऑन करके दिखाते हैं। देखो एक प्रकार के बीप आ रहा है, पीट करके आ रहा है। इनपुट वोल्टेज 200 है, इनपुट वोल्टेज अभी 200 है, ठीक है। इसको एक बढ़ाते हैं, 212 हो चुका है, 214 हो चुका है, 220, हम लोग का घर में इनपुट वोल्टेज कम है, ठीक है। 240 तक भी ऑटो कट नहीं हुआ है, देखो ऑटो कट हुआ नहीं है, देखो 200 से और ऊपर 245 ऑटो कट नहीं हुआ है। कितना में ऑटो कट है देखते हैं, देखो 250 से जब आप ऊपर जाओगे 252 में भी नहीं किया है। इसका मतलब ये केवल नाम के लिए मैनुअल है, समझ गए, नाम के लिए ऑटो कट है। ऑटो कट आप लोग को क्योंकि डीजे प्रोग्राम कभी भी करते हो ना, देखो 250 में रखने से वार्निंग दे रहा है। देखो यहाँ पर देखो अभी मैं 250 रख रहा हूँ, यहाँ पर हमको वार्न आ रहा है, जल्दी से देखो जल्दी से वोल्टेज घटा लो, इसमें बीप मार रहा है, टीप देखो देखो। इसीलिए मैं अभी फिर यहाँ पर दिखाओ, मैं वोल्टेज कम रख लेता हूँ, ठीक है। हम लोग को तो ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, 220 होने से तो हम लोग के लिए सफिशियंट है। स्टेबलाइजर काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजर, जनरेटर AC हाई लो, देखो ये हाई लो, ये तो आपको मालूम है। इसमें इसके बारे में क्या बोले, स्टेप अप स्टेप डाउन है, हाई लो करने का मतलब आपको भी मालूम होगा शायद। स्टेप ये स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है, इसका मतलब ये हाई में, अब जितना बढ़ाएंगे ये स्टेप अप स्टेप डाउन है, ये जेनरेटर और ग्रेड।
ये लाइन के लिए है और ये रखा है दाची का ओरिजिनल का है। ये होलोग्राम देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है। ओवरऑल स्टेबलाइजर काफ़ी अच्छा है। अब अच्छा चीज़ को क्या है, इसमें अगर खोज के निकालना पड़ेगा, इसमें खराबी क्या है बोल के मुझे खोज के निकालना पड़ेगा। इसको आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो में एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो मेरे फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई चैनल को फॉलो करके रखना और अपना दोस्तों में ये स्टेबलाइजर कैसा है बोल के दिखाना। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, बिजनेस संबंधी मुझसे बात करना हो, kishoregautam722@gmail.com में आप लोग संपर्क कर सकते हो। बिजनेस रिक्वायरिंग कुछ भी हो तो मेरा मुझे मेल कर सकते हो, और कुछ भी बात करना है तो मेरा मोबाइल नंबर में सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई, दूसरा वीडियो फिर से दूसरा वीडियो मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।